महाराज शुमहापुराण को यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ी नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रणी। कोई सहज नाम नहीं है तुम रुका जी का, कौन है तुम रुका, जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा, भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया, ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य सताना जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप, वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का फल तब साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने। पर उसमें भी प्रबल तुम रुका जी जो शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं उसमें भी प्रबल, जिनका नाम मात्र पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का सातवां दिन, जब नारी छह दिन तक काम ना करे सातवां दिन रजस्वला धर्म का सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुम रुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3-4-5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाए पक्का, विश्वास रखकर शिव जी का नाम ले तुम रुका का सुन, ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर के मंदिर में जाकर घी के दिए जला, 5 दिए लगा बस, फिर बाबा पे सौंप देना, जितनी शिवरात्रि आती जाएंगी उतना धन बढ़ता चले जाएगा बाबा पर संपूर्ण जी। इतने उपाय और सारे उपाय यहीं से बताए जाएंगे, नीचे से कुछ नहीं, नीचे उतरने के बाद हमें कोई मतलब ही नहीं, हम क्या बोले ना बोले हमें उससे मतलब नहीं, ये व्यासपीठ श्री सुखदेव जी की है, ये व्यासपीठ श्री व्यास जी महाराज की है, ये व्यासपीठ श्री सूत जी महाराज की है, और ये व्यासपीठ इन सबसे पहले मेरे देव अधिदेव महादेव की है, जिन्होंने अमर गुफा में अमर कथा माता पार्वती को श्रवण कराई थी, बाकी के तो सुखदेव जी व्यास जी सूत जी ये सब बात के, पर सबसे पहला वक्ता मेरा शिव है। तो ये शंकर की गादी पे से जो निकल गया, शंकर की गादी पे से जो बोल दिया, बस उसका अनुभव आप करो और कर जरूर देखना, उसका अनुभव कर। सुबह 6:42 पर इंदौर से किसी बहन का फोन था, रोते हुए आया था, आप लोग कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा समीर जी के मोबाइल, 6:42 पे फोन आया था और रोते हुए फोन आया था कि मेरा एक ही लड़का है और वो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, रात को 1:30 बजे से मैं 1:30 बजे से परेशान हो रही हूँ, फोन पर फोन लगा रही हूँ, रात को कोई उठाया नहीं, सुबह तक लगाकर देख रही हूँ,
6:42 पर फोन। प्रयास रहता है सब उठाते हैं, रात को सब सो गए, सुबह लेट नींद खुली, हम ही हाथ में फोन आ गया और हमने उठा लिया। हमने कहा बहन क्या बात है, बच्चा वेंटिलेटर पर है, उपाय करा कोई सा? डॉक्टर अंदर जाने नहीं दे रहे। बच्चे के कपड़े हैं घर में? है, पुराना कपड़ा है जो पहनता हूं रोज डेली में, कोई लोवर टी शर्ट कुछ ऐसा? हाँ है। बस उस कपड़े को रख, एक कलश में अच्छा पानी भर ले और उसी में दूध डालकर बेलपत्री डालकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दे। 11:30 दोपहर में फोन था, वेंटिलेटर हट चुका है और बालक स्वस्थ हो गया। करना आपको है, हम तो केवल बता सकते हैं, और वो भी ये शिव महापुराण में जो लिखा होगा, स्कंद पुराण में जो किया होगा, इन पुराणों में जो होगा वो बताना है, इससे हटकर कुछ नहीं। ऐसी फालतू बातें ढेर सारी तो बताने वाले ढेर सारे पड़े, पत्रिका दिखाने जाओ तुम्हारे ऐसा कर देंगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओ ये पाइप बदल दो, ये कमरा बदल दो, ये जगह बदल दो, किसी के कोई के पास भी जाओगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। पर यहां से तो केवल ना कोई भभूति है, ना कोई हमारे पास में जल है, ना हमारे पास में कोई बेल है, ना हमारे पास में कोई बाबा जोगी है, हमारे पास में तो ये शिव महापुराण है। इसमें जो बाबा ने लिख दिया, शंकर जो कर दिया, कह दिया, बोल दिया, बस उसी का स्मरण आप कर लीजिए। मुझे विश्वास है वो दुनिया का दुख हरने वाला आपके दुख भी हर लेगा, इतना विश्वास रखता हूं। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना सुंदर कहती है कि आप किसी मंदिर में शिवरात्रि हो, सावन का महीना हो, शंकर जी के मंदिर में अगर अर्चना चल रही है, उपासना चल रही है, पूजन चल रही है, अगर मालूम पड़े शिव के मंदिर में आज त्योहार वाला दिन है, सावन का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, भगवान के तो सभी भगत आएंगे, हजारों लोग आएंगे। भाई सास अगर बीमार है तो मिलने तो बहन बेटी भी आएगी, कोई भी आएगा, भले तुम्हारा लड़ाई हो चाहे झगड़ा, आएंगे तो सब ना, नहीं आएंगे तो लोग कह देंगे बताओ अम्मा बीमार पड़ी गई और जीजी एक दिन देखने की, बोलो बोलेंगे कि बोलेंगे। सावन का सोमवार, शिवरात्रि का दिन, अगर कोई शंकर के मंदिर नहीं जाएगा तो लोग क्या कहेंगे बताओ, आज शिवरात्रि के दिन घर में पड़ी हुई है, भगवान के मंदिर नहीं गई, कितना बुरा लगेगा। घर में सास बीमार पड़ी रहे और नंदों से कितनी भी लड़ाई हो, भाभियों से कितनी भी लड़ाई हो, देवरानी जेठानी से कितनी भी लड़ाई हो, अगर एक नहीं आए ना, अभी देवरानी देखने नहीं आए तो जेठानी आग लगाने में पीछे नहीं हटेगी, देख लो सास ने पूरा भर दिया, ये दिन देखने नहीं है, देख लो। अरे बोलो तो जितने ऑनलाइन सुन रहे हो, सही है कि गलत है? तुरंत कहेंगे। और शंकर भगवान की आराधना कोई तो निवेदन है, अगर कोई काम अटक रहा है, नहीं हो रहा, बहुत प्रयास करा तो भगवान शंकर के मंदिर में 5 बेलपत्र चढ़ाइए। और शंकर भगवान की जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, आपको बताया था ना अशोक सुंदरी का स्थान, भगवान शंकर की 6 लड़कियां हैं, उसमें से सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी की जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाइए, फिर एक बेलपत्र नंदीकेश्वर पर चढ़ाइए, और नंदीकेश्वर पर चढ़ाने के बाद भगवान शंकर के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दीजिए साइड में, और फिर अपने घर पर आ जाइए, आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीकेश्वर, भगवान नंदीकेश्वर का स्मरण कर लेने पर जीव आनंद सुख की अनुभूति करता है, आनंद सुख को पाता, भगवान नंदीकेश्वर का स्वरूप। पूरी दुनिया में केवल एक केदारनाथ ही एक ऐसा है जहां पर ओम कुंड विराजमान है। कौन सा कुंड है वहां पर? ओम कुंड। जो बच्चा हकलाता है, तोतला बोलता है या गूंगा होता है, जिसकी वाणी नहीं होती, वो अगर ओम कुंड पर जाकर ओम बोलने का प्रयास करता है तो जितनी देर तक उसके मुंह से घुन की आवाज निकलती है उतनी देर तक ओम कुंड में से पानी का बुलबुला निकलता रहता है, और 7 या 8 बार बोलने से व्यक्ति हकलाना छोड़ देता है, तोतला बोलना छोड़ देता है, उसकी वाणी आ जाती है, वो ओम कुंड केदारनाथ जी में बसता है। कहां बसता है? केदार, केदारेश्वर।